दोस्तों क्रिकेट को इंडिया में एक धर्म की तरह माना जाता है और इसे खेलने वालों को भगवान की तरह पूजा जाता है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई, जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, जहीर खान और ऐसे बहुत से नाम हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है इन सबकी शुरुआत कहाँ से हुई। अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए प्लेयर्स को देखकर हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में कितनी मेहनत की होगी। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनपे आगे आकर खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होता है और अपना टैलेंट दिखाना होता है, तब जाके उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलता है, जिसमें रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और इस तरह की कई सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। बीते कुछ सालों में ही शुरू हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप एक और जगह है जहां पर नए खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। और अंडर 19 की बात सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, वो है पृथ्वी शॉ का। 2018 में होने वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम की कप्तानी कर रहे हैं पृथ्वी शॉ। दोस्तों एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है जिनका जन्म 9 नवंबर 1999 में थाने महाराष्ट्र में हुआ। पृथ्वी शॉ एक राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड ऑफ स्पिनर है। और अगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो पृथ्वी शॉ में बहुत टैलेंट है और वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर लीड कर सकते हैं, वो भी काफी समय तक। चलिए पृथ्वी शॉ के जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें हम जानते हैं इस वीडियो में। बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो आपको देखने का मौका मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्पिरेशन हिंदी में आज हम बात करने वाले हैं अंडर 19 क्रिकेट कैप्टन पृथ्वी शॉ के बारे में। मुंबई की तरफ से खेलते हुए सेमीफाइनल मैच में 2016-17 के रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया और इसी मैच में उन्होंने सेकेंड इनिंग में सेंचुरी भी बनाई और मैन ऑफ द मैच भी बने और इसी तरह वो दुनिया की नजरों में आए। पर यही नहीं दोस्तों, हैरी शील्ड टाइटल जो कि इंडियन यूथ क्रिकेट में काफी प्रेस्टीज ट्रॉफी मानी जाती है, पृथ्वी शॉ ने रिजवी स्प्रिंगफील्ड की तरफ से 2012-13 के सीजन में कप्तानी भी की है और सेमीफाइनल में 155 रन और फाइनल में 174 रन भी बनाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों बार अपनी टीम को ये ट्रॉफी जितवाई भी है। दोस्तों पृथ्वी शॉ ने अपनी ट्रेनिंग MIG क्रिकेट क्लब से करी है जो कि मुंबई में है, जहां पर अर्जुन तेंदुलकर से उनकी दोस्ती हुई और उनके कोच का नाम है राजीव पाठक। पृथ्वी शॉ की बैटिंग टैलेंट को देखते हुए उन्हें 2012 में इंग्लैंड इनवाइट भी किया गया, जहां पर उन्होंने 2 महीने में 1446 रन बनाए 84 की एवरेज से और उन्होंने 68 विकेट भी ली। 2013 में मई के महीने में जूलियन वुड जो कि एक एकेडमी के फाउंडर हैं, उन्होंने उनकी बैटिंग टैलेंट को पहचाना और उन्हें फिर से इंग्लैंड आने के लिए इनवाइट किया। पर इस बेहतरीन खिलाड़ी की जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब 6 फरवरी 2017 में उन्होंने अपनी पहली अंडर 19 सेंचुरी लगाई, वो भी अपने 5th मैच में। 25 फरवरी 2017 में उन्होंने डेब्यू किया विजय हजारे ट्रॉफी में और 2017-18 के रणजी सीजन में वो मुंबई की तरफ से खेलने वाले भी खिलाड़ी बन गए। दोस्तों रिकॉर्ड की बात करें तो नवंबर 2013 में रिजवी स्प्रिंगफील्ड की तरफ से खेलते हुए हैरी शील्ड मैच में 330 बॉलों में 546 रन बनाए। उन्होंने 6 घंटे 7 मिनट बैटिंग की जिसमें उन्होंने 85 बाउंड्रीज और 5 छक्के लगाए। दोस्तों इस सफर का अंत यही नहीं हुआ, अपने अच्छे बैटिंग और बॉलिंग टैलेंट से पृथ्वी शॉ अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी भी कर रहे हैं और हम तो यही दुआ करेंगे कि वो भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जितवाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। इंस्पिरेशन हिंदी में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।